मैं तकरीबन 14 या 15 साल का जब मैंने कबड्डी स्टार्ट किया तो उससे तकरीबन 1 या 2 साल पहले मेरे गांव में कबड्डी खेलने लगे थे और जितने कबड्डी खेलते थे तो उनको देखकर मन करने लगा कि ये बहुत अच्छा गेम है, खेलना चाहिए। मैंने उनको ही देखकर स्टार्ट किया ये गेम। विजय ने 8-9 साल हो गए कबड्डी शुरू किए, उनकी बहुत रुचि थी। विजय स्कूल में जाया करता और विजय ने कबड्डी खेलते बालक देखते, फिर विजय ने करता मम्मी मैं भी कबड्डी खेलूंगा। फिर मैंने कहा तीमा बेटा ये छोटा है, वो मानना नहीं, छोटा है, वो उनके साथ लग गया खेलने और फिर धीरे धीरे वो सही खेलने लग गया। उसकी स्टार्टिंग से ही गेम में रुचि थी, वो पहले भी बोलता था गेम करने के लिए, लेकिन पहले बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन 8-9 साल से वो रेगुलर गेम कर रहा है। विजय बिल्कुल छोटा बच्चा था जब इसे कबड्डी खेलने का शौक था उसको, और तभी से ग्राउंड पे सबसे छोटा बच्चा ग्राउंड पे जाने लग गया था। विजय मेरे पास 2010 से मेरे पास है और यहीं पर विजय की प्रैक्टिस करवाई है हमने। वो मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही स्टार्ट करता, अब वो प्रो कबड्डी में गया हुआ, मैं उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। हाँ, पहले मैं शरारत ज्यादा करता था, लेकिन वो बात नहीं रही है, जैसे छोटे थे तो ज्यादा शरारत करते थे। जब हम साथ होते हैं तो बहुत ही मस्ती करते हैं, ग्राउंड में भी बाहर भी कहीं खेलने जाते हैं तो मस्ती बहुत करते हैं हम। विजय बहुत ज्यादा मस्ती करता था, लेकिन वो प्रैक्टिस के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहता था और प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज्यादा ग्राउंड पर मस्ती करता था। हम दोनों भाई साथ पढ़ते हैं, बचपन से साथ पढ़ते हैं, साथ ही खेलते हैं, हर टाइम मस्ती करने ही सोचता वो। बचपन में बहुत मस्ती करा करता, कबड्डी की लगन थी उसने, कबड्डी खेलूंगा और मैं टीवी में भी दिखा करूंगा मम्मी। आम दिनों में भी हम सुबह शाम कबड्डी प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आम दिनों में घर पर हूँ जब सुबह शाम तो ग्राउंड पर जाते हैं और फिर दिन में खा पी कर आकर फिर अपना जो हम काम करते हो काम में हाथ बटाता है। मेरी स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी रही है, मैं पढ़ने में भी ठीक था, पढ़ाई में ठीक थे और बच्चों से ज्यादा लगनशील थे, समय पर अपना होमवर्क करते थे। बीच में ये सुशील सर कोच साहब हैं यहाँ, उनके संपर्क में आया, तब से वो कबड्डी में अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। प्लेयर बनने में काफी संघर्ष करना पड़ा, मुझे ही नहीं बल्कि सबको संघर्ष करना पड़ता है। प्लेयर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है, केवल प्रैक्टिस से भी अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते, बहुत चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। विजय ने बहुत मेहनत उठानी पड़ी और ये चाहता था मैं आगे बढ़ूं, चाहे चोट लगो चाहे कुछ भी हो, विजय ने खेलना नहीं छोड़ा। कई बार कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन वो उनसे हटके भी ग्राउंड पे जाता था टाइम निकाल के। विजय को बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि एक खेल ऐसा है इसमें बार बार इंजरी हो जाती है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले जूनियर, फिर नेशनल खेलिया, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलिया, उसके बाद उसका प्रो कबड्डी में नंबर पड़ा यंग टैलेंट के। उसमें 3-3 टाइम 4-4 टाइम मेहनत की उसने, दिन में भी रात में भी दोपहर को मेहनत की है उसने। प्रैक्टिस के बाद वो सभी रेस्ट कर रहे हैं तो वो तब भी प्रैक्टिस करता रहता था, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था और टाइम 1-1.5 घंटा ज्यादा करता था वो। उसके सामने अनेक प्रकार की समस्या आई, घर की भी समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं से दूर हट के अपना मन बना लिया था कि वो कबड्डी खेलेगा। शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए पड़ा क्योंकि है ना कबड्डी जो है वो अपने आप में एक इतना बड़ा गेम नहीं था, तब तक सबके लिए ही परेशानी थी, क्या हमारा भविष्य किस प्रकार का होगा, क्या हमसे ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा सर, एक समस्या नहीं है उसमें। लेकिन जैसे ही स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से स्टार स्पोर्ट्स वालों ने इसको इतना बड़ा क्रेज दिया और उसकी वजह से ये कबड्डी जो है ना इतना पॉपुलर गेम हो गया। कबड्डी खेलने के लिए सोचा तो मैं अपने कोच के पास श्री सुशील शास्त्री के पास पूछा तो वहाँ प्रैक्टिस की तो मेरी लाइफ में ऐसा उन्होंने चेंज ला दिया, ऐसा काम किया कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, मुझे बहुत सारा लोगों का प्यार मिलता है। जैसे पहले कहीं जाते थे तो कोई नहीं जानता था कि हम कबड्डी खेलते हैं, अब जाते हैं तो सबको पता रहता है कि ये कबड्डी प्लेयर है और हमें इज्जत देते हैं, काफ़ी प्यार मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगता था, धीरे धीरे फिर कैंप में उसमें प्रो कबड्डी में हो गए, जब और भी अच्छा लग रहा है। लाम में सभी लोग पूछते हैं कि विजय टीवी में दिखता है, बहुत अच्छा लगता है और हम हर रोज उसका मैच देखते हैं,
और बड़ा अच्छा खेलता है। विजय को पहले यहाँ पर जो देखते थे उसके फैंस भी, उसके गांव वाले भी, उसके साथी भी, पहले एक उसको नॉर्मल उससे लेते थे, अब उसको और ज्यादा प्यार करने लग गए हैं और उसका और ज्यादा उत्साह बढ़ाते हैं। बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि विजय खेल रहा है, जब वो टैकल करता है, पॉइंट निकालता है रेड में, तो बहुत अच्छा लगता है हमको। हम उसके साथ प्रैक्टिस करते थे, वो अब हम में से निकल के आगे जा चुका है, हम भी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है आगे प्रो कबड्डी में जाके साथ साथ खेलने का मौका मिले। मुझे गर्व होता है कि मेरा भाई मुझसे एक साल छोटा है और वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमने सोचा था वो करने लग रहा है बच्चा। किस गुरु को ऐसा नहीं लगता कि उसका कोई शिष्य उसका नाम कमाए और उसका शिष्य ऊंचाइयों पर जाए, तो ये किसके लिए गर्व की बात नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की है। नहीं सोचा तो नहीं था कि मतलब पहले तो कबड्डी आई मुकाम इतना बड़ा नहीं था, जब लीग स्टार्ट हुई तो सोचा नहीं था कि मतलब इस लेवल पर आएंगे, पर मेरी जिद और कोच की मेहनत की वजह से मैं ये आज ये सारा काम कर पाया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूँ। आप जो जो भी उनके फैंस हैं, साथी हैं और उनको चाहते हैं कि भाई ये लड़का आगे तक जाए, तो आप उनकी दुआओं में, अपनी दुआ में उसको शामिल करें। विजय के फैंस को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और वो विजय को इसी तरह सपोर्ट करते रहे, क्योंकि विजय जो परफॉर्मेंस अब कर रहा है उसके फैंस जितना उसको सपोर्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा बेहतर आगे वो करके दिखाएगा। विजय को उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा वे पटना को जिताए। मेरा सभी फैंस और मेरे चाहने वालों को यही संदेश है कि मुझे सपोर्ट करते रहिए और विश्वास रखिए, मैं आगे भी बहुत कुछ करूँगा।